आज मैं लेकर आई हूँ 5 मिनट में बनने वाला कश्मीरी पुलाव। जितना है देखने में लगा उससे भी ज्यादा खाने में लगा। एक बार आप बनाओगे बार बार खाना पसंद करोगे, अब आपके रात के बचे चावल बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। बचे हुए चावल से आप ये पुलाव बना के तैयार कर सकते हो ओनली 5 मिनट में। तो देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल अन्ना किचन क्यून में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं कश्मीरी पुलाव। तो देर नहीं करते बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम चावल को उबालेंगे। तो मैंने 250 ग्राम चावल लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिए। एक पैन में पानी रखा था, वो भी हमारा उबल चुका है। तो सारे को हम डाल देते हैं। गैस, अगर आपके रात के चावल बचे हुए रखे हैं कोई खा नहीं रहा तो ये पुलाव बना के तैयार कीजिए। देखिए क्या फटाफट खाते हैं, दौड़ दौड़ के खाते हैं। एक चम्मच यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं और एक चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे बिल्कुल खिले खिले चावल बन के तैयार होंगे। तो इतने हमारे चावल उबल रहे हैं, इतने अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली है। सबसे पहले हम कट करेंगे पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी आप जरूर डालना इस पुलाव में। इस पुलाव में पत्ता गोभी का अपना अलग ही टेस्ट है, बिल्कुल बारीक बारीक हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ पर एक शिमला मिर्च ले लेते हैं, उसे भी ऐसी कट करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। यहाँ पर हम लेंगे गाजर, गाजर को भी इसी तरह से कट करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल हमने गाजर भी अच्छे से कट कर लिए। तो सारी सब्जियां हमारे यहाँ पर कट के तैयार है, बिल्कुल बारीक बारीक हमने कट की थी और ये हमारी कट चुकी है। चलिए हम अपने पुलाव की तैयारी करते हैं। पहले अपने चावल चेक करते हैं। तो गाइस हमारे चावल यहाँ पर उबल रहे हैं, देखते हैं कि गले नहीं गले हैं। तो देखिए हमारे चावल अच्छे से बड़े तरीके से गल चुके हैं बिल्कुल। इन्हें हम पानी में से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेश चावल का बना रही हूँ, आप रखे हुए चावल का भी पुलाव बना के तैयार कर सकते हो। तो सारे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल, इसे हम गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने एक प्याज, एक हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां जिन्हें बारीक कट कर लिया था, इन्हें हम तेल में डाल देते हैं और भून लेते हैं। ज्यादा इन्हें नहीं भूनना, हल्का हल्का भूनना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज भून रही है हल्की हल्की। यहाँ पर हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, इन्हें हमने 1 में से 2 कर लिए थे, उन्हें डाल देते हैं। यहाँ पर आप मूंगफली की ग्रेवी डाल सकते हो, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिये हल्की हल्की हमारी भून चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने सब्जियां कट की थी, सारी सब्जियों को इसमें डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सारी सब्जी हमने डाल दी है, तो तेल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये पुलाव बहुत ही जल्दी से बन के तैयार होगा। जैसे सुबह सुबह हमें जल्दी होती है और बच्चों के टिफिन तैयार करना होता है और हमारे चावल बचे हुए किसी ने नहीं खाए, तो उस चावल का आप पुलाव बना के बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। तो देखिए गाइस हल्की हल्की सब्जी हमारे यहाँ पर ऑयल में हो चुके हैं। ज़्यादा हमें इन्हें नहीं गलाना, हल्की हल्की गलाना है। तो यहाँ पर हमारे सब्जी इतने गल रही है, तो यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, तो आधा चम्मच हम लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 4 मसालों में ये पुलाव बन के तैयार होगा। आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लेंगे हम गरम मसाला, और आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, और यहाँ पर आधा चम्मच लेंगे हम पुलाव मसाला। तो देखिए 4 ही मसाले हमने डाले और उनमें ही पुलाव इतना बेहतरीन बन के तैयार होगा। 1 चम्मच यहाँ पर पिज्जा सॉस, जिससे पुलाव में हल्का खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर 1 चम्मच लेंगे हम सोया सॉस, 1 चम्मच लेंगे हम विनेगर, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारे मसाले हमने डाल दिए, तो मिक्स कर देते हैं सब्जी में अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। पता है क्या होता है, बच्चे हमारे नूडल मांगते हैं, लेकिन हम डेली हमें नूडल नहीं खिला सकते। इस पुलाव में आपको कई तरह का टेस्ट मिलेगा, नूडल का ही मिलेगा, पुलाव का मिलेगा, और खट्टा मीठा टेस्ट इतना बढ़िया आएगा जिसे बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो गैस सब्जी हमारी हल्की हल्की गल चुकी है, ज़्यादा इन्हें नहीं गलाना, हमें बिल्कुल हल्की हल्की ही हमें सब्जी मसालों में करनी है। और पानी का हमारे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, बिल्कुल हमें पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपने चावल जो हमने उबाले थे। मैं तो फ्रेश चावल का बना रही हूँ, आप बचे हुए चावल का बनाइए, ओनली 5 मिनट में फटाफट बन के तैयार होगा, टेस्ट बेमिसाल होगा, जो बार बार आप इस पुलाव को बनाना पसंद करोगे। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बिरयानी तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन इसका टेस्ट बिरयानी से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। इस पुलाव को आप खाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे और बहुत ही आसानी से बहुत ही फटाफट बन के तैयार होगा सिर्फ 4 मसालों में। तो अच्छे से चावल को मिक्स कर देते थे, कितना खिला खिला बन के हमारा पुलाव तैयार हुआ और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो कई तरह के इसमें टेस्ट मिलेंगे। ये बन चुका है, तो फटाफट इसकी गरम गरम प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया जिसमें अपना हम कश्मीरी पुलाव डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना खिला खिला हमारा कश्मीरी पुलाव बन के तैयार है। देखिए बिल्कुल वही टेस्ट आपको घर पर आएगा, बिल्कुल अच्छे से हम सारी प्लेट में डाल देते हैं।
और जिसे आप खिलाओगे वो आपसे दोबारा जरूर मांगेगा, क्योंकि इतनी आसानी से इतने कम मसालों में फटाफट बनने वाला ये पुलाव है। तो सारा पुलाव हमने डाल दिया, तो इसे हम गार्निश करेंगे बड़े तरीके से। तो यहाँ पर हम ले गए कुछ टमाटर के स्लाइस जिन्हें मैंने गोल कटिंग कर लिया, तो चारों तरफ इसे लगा देते हैं टमाटर को। तो देखिए कितना ही अच्छा लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। इसकी प्लेटिंग भी बिल्कुल अलग है, स्वाद भी बिल्कुल अलग है। तो चारों तरफ हम टमाटर को लगा देते हैं अच्छे से, और यहाँ पर हल्का हल्का नींबू का रस डालेंगे। खट्टा मीठा जो टेस्ट आएगा ना पुलाव में, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर हम कुछ धनिया लेंगे गार्निश में, और कुछ डालेंगे यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट। वैसे तो मैंने पुलाव में भी ड्राई फ्रूट डाले हैं, तो यहाँ पर हम गार्निश में डालेंगे कुछ काजू, कुछ बादाम और कुछ मूंगफली की ग्रेवी आप डाल सकते हो। तो देखा कितना अच्छा हमारा कश्मीरी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है, एकदम खिला खिला, एकदम लाजवाब और फटाफट ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तो गैस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किया। तो फ्रेंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।